हस्बैंड को खान साहब ने कहा था कि आपने इस जगह से इलेक्शन लड़ना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि खान साहब ने ये टिकट मुझे दी है और मैंने उनसे वादा किया होगा, तो मैं किसी और पर एतवार नहीं कर सकता। पुलिस बहुत तंग करती है, SHO साहब खुद आते हैं और बंद करवा के जाते हैं जब मैं नहीं होती। जब मैं यहाँ मौजूद होती हूँ तो फिर वो मैं बंद नहीं करती। नून लीग की तरफ से खड़ा किया हुआ उम्मीदवार है और वो आलिया हमजा की पिक्चर साथ लगा के तो कहता है PTI ने मुझे टिकट दी है। बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकलेंगे और PTI के वोटर्स निकलेंगे। उषा बीबी का जो उन्होंने बहुत बड़ा पन दिखाया माशाल्लाह के आप खुद गई है जेल में, इतनी अच्छी बीवी खान साहब को मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए। तो हम लोग तो उनके वो हमारा सासा है, हम हर तरह कोशिश करेंगे, हमारे दिल बिल्कुल नहीं टूटे, हम बहुत मजबूत दिल वाले सपोर्टर्स हैं। और इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि ये जो ज्यादतियां कर रहे हैं इन ज्यादतियों का इनको जवाब मिलेगा, वो तो शक्ल मीर की पहचान है। तो जैसे वो खान साहब के पीछे दुआगो है और अल्लाह तला उनकी मदद फरमाए। मैं हूँ आपका मेजबान अली तारिक और आप देख रहे हैं Capital TV। अजीम पाकिस्तान देखे इंसाफ के मरकजी रहनुमा गुलाम मईउद्दीन ऐवान जो थे रू पोस्ट थी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उनके बाद जो है उनकी जो वाइफ थी सबा दीवान वो मौजूद है और ये PP 148 से तरीके इंसाफ की हमारी याफ्ता जो है उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रही है। तो मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये टिकट तो आपके खामत की थी गुलाम मईउद्दीन दीवान साहब की थी, उसके बाद आप सियासत में आ गई हैं, एक हाउस वाइफ से सियासत तक का सफर ये कैसा रहा और अभी जो दफ्तर बंद करवा रही है पुलिस वगैरह, आपने तो अपना दफ्तर भी खोला हुआ है, तो किन मुश्किल का आपको इस वक्त सामना करना पड़ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। इया का नाबुद भैया का नस्ताइन रब्बुल इज्जत, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, बेशक रब ही मदद करने वाला। तो मुश्किलात जो आपने कहा घरेलू औरत से सियासत तक का सफर, मेरी पैदाइश जो थी ना, मेरे फादर जो थे पीपल्स पार्टी के जमाने से नायब सदर थे, सियासी घराना था हमारा भी, फिर मेरे आगे से भाइयों का भी इंटरेस्ट सियासत में रहा। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर 96 में पहला इलेक्शन लड़े, तो चूंकि इनके साथ जिंदगी चलती रही और मैं इनकी सियासत में भी हिस्सेदार बनती रही, तो वक्तन फवक्तन जब भी कहीं जरूरत होती थी तो मैं जरूर उनकी हेल्प करती हूँ। आपको किसने कहा कि आप इलेक्शन लड़े? गुलाम मईउद्दीन दीवान साहब का मैसेज था या फिर जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उनका मैसेज था कि आपको, ये फैसला किसने किया? जी मेरे हस्बैंड को खान साहब ने कहा था कि आपने इस जगह से इलेक्शन लड़ना है, जब खान साहब आजाद थे, तो जब मेरे हस्बैंड ने उनके कागज मंजूर नहीं हुए, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जगहों पे गए, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि खान साहब ने ये टिकट मुझे दी है और मैंने उनसे वादा किया होगा, तो मैं किसी और पर एतवार नहीं कर सकता कि तुम मेरी वाइफ हो। तो मेरे ख्याल में जैसे आपको पता है कि आजाद उम्मीदवार है, बाद में खरीदने का मरहला भी शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि तुम इलेक्शन तुम लड़ोगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जैसे रेगन साहब की ऑफिस खुलते हैं पुलिस आ जाती है, आपने तो यहाँ पे अच्छी बली रौनक लगाई हुई है, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, खाने भी चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल आपने बनाया हुआ है, तो ये कोई मुश्किल आई है पुलिस वगैरह तो नहीं आती यहाँ पर काम करने? जी पुलिस बहुत तंग करती है, SHO साहब खुद आते हैं और बंद करवा के जाते हैं जब मैं नहीं होती। जब मैं ये नहीं होती तो लड़कों को कह के लड़के डरते हैं वो बंद कर देते हैं, जब मैं यहाँ मौजूद होती हूँ तो फिर वो मैं बंद नहीं करती। आपने इंतखाबी निशान किया है और आपके अगेंस्ट जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनकी जानब से इस हल्के में क्या चल रहा है, मुकाबला सख्त होगा? जी मेरा इंतखाबी निशान कैलकुलेटर है और मेरे साथ आलिया हमजा है NMA, उनका निशान लूडो का दाना है डाइस। और जो आप अपोजिशन की बात करते हैं, हमें तो अपोजिशन दो किस्म की है, एक सलमान शहबाज जो है सलमान शोएब जो है वो नून लीग की तरफ से खड़ा किया हुआ उम्मीदवार है और वो आलिया हमजा की पिक्चर साथ लगा के तो कहता है PTI ने मुझे टिकट दी है। मतलब कि ऐसे भी लोग मौजूद है जो दावा कर रहे हैं वो PTI के, बेसिक उनका मकसद ये है PTI का वोट खराब करना। ओके हाँ जी बेसिक। और जो मेरे अपोजिशन में है मुश्तबा शोजाने अपोजिशन ड्राइवर, आपको पता अपोजिशन ही होती है, माशाल्लाह हमने 3 दिन पहले रैली निकाली थी, बहुत पॉजिटिव हमारा रिस्पांस आया लोगों का, जितने के जितने हमारे में शामिल हुए, और रैली का टाइम था हमारा 4 बजे का, खत्म होने का हमें 7 बज गए सारी रैली। हमने पिछले दिनों रैली निकली। अच्छा मुझे ये मैडम बताएं कि
फैमिली एक जो घर वाली घर में जो खतून होती है वो फैमिली को बच्चों को देखती है, तो अब आप सियासत में आ गए तो अभी फैमिली का क्या रद्द अमल आ रहा है खान साहब की, और खान साहब को आपने कैसा देखा, कैसे कैसा उनका रद्द अमल, उनको उनसे मुलाकात हुई है अभी कोई? जी नहीं, अभी खान साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला जरूर होगी। मैं घरेलू जो घर की जिम्मेदारियां, माशाल्लाह मैं मेरी बहू भी है ना, वो बड़ी अच्छी तरह घर की जिम्मेदारी संभालती है, तो मुझे घर से तो ऐसा, मेरे तो बच्चे हैं वो खुश हो रहे हैं कि हमारी मामा भी सियासत में आ गई हैं, और दीवान साहब भी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मेहनत करके कि मैं अपने शौहर को दीवान खान साहब के लिए सीट जीत के दिखाऊं। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और मेरी कोशिश भी पूरी है। 8 फरवरी को जब लोग निकलेंगे, पोलिंग एजेंट जो है आपके पूरी टीम लोगों को घर से बाहर निकालना, तो यहाँ पे तो गिरफ्तारियां होनी है, तो फिर ये इनका क्या हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई हुई है कि 8 फरवरी को वोटर्स को आप लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाएंगे, उसकी हिकमत अमली कोई प्लान है? देखिए हमने ना अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, और कंपेन जो स्ट्रेटजी है ना अपने तौर पर कुछ तैयार भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकलेंगे और पीटीआई के वोटर्स निकलेंगे, और पीटीआई को वोट भी डालेंगे और पीटीआई गेन भी करेंगे इंशाल्लाह। हंसरा बीबी को भी हमने देखा कल की सजा हो गई, और बानी चेयरमैन इमरान खान भी जेल में, उनको भी सजा हो गई, तो इसके ऊपर आप जो भी उम्मीदवार हैं क्या देख रहे हैं, कोई मायूसी है क्या ये पीटीआई अब चेयरमैन बानी चेयरमैन जो दोबारा वापस आएंगे, क्या आपका क्या ख्याल है? देखो जी मायूसी हमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो ना करदा जुर्मों की सजा है, ये वो जुर्म नहीं है जो हमने जो खान साहब ने किए थे उनको सजा मिल रही है, ये उन जुर्मों की सजा है जो उन्होंने नहीं किए, तो इंसाफ तो अल्लाह ताला की जात में देना है, वो इंसान किसी से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला खान साहब वापस आएंगे। उषा बीबी का जो उन्होंने बहुत बड़ापन दिखाया माशाल्लाह के, आप खुद गई है जेल में और खुद अपनी गिरफ्तारी दी, ये भी एक बहुत बड़ी लीडर की पहचान है, तो जैसे वो खान साहब के पीछे दुआगो हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, इतनी अच्छी बीवी खान साहब को मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए, हमें ये सब कुछ देख के जब खान साहब अंदर हैं उनकी जोजा ने परवाह नहीं की, तो हम लोग तो उनके वो हमारा सासा है, हम हर तरह कोशिश करेंगे, हमारे दिल बिल्कुल नहीं टूटे, हम बहुत मजबूत दिल वाले सपोर्टर्स हैं, और इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि ये जो ज्यादतियां कर रहे हैं इन ज्यादतियों का इनको जवाब मिलेगा, वो तो शक्ल ठीक हो गए जी। आप गुफ्तगु सुन रहे थे सभा दीवान साहिबा की, जो कि गुलाम नबीन की मिसिज हैं और इलेक्शन अब ये लड़ रही हैं पीपी 148 से, बुरा इन्होंने बयान बनाया हुआ है, दफ्तर खोला हुआ है, और शाहबाग जो है इनका हल्के और लोग जो है आ भी रहे हैं, और 8 फरवरी को इनका कहना है कि जो जुलम हो रहा है पीटीआई पे उसका जो अवाम बदला देगी वो जो है वोट की जो है शक्ल में देगी। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।